इस पर भी काम हो रहा है। साथियों, सरकार के प्रयासों और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से किसानों को कितना लाभ हो रहा है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण चंदौली का काला चावल ब्लैक राइस है। ये चावल चंदौली के किसानों के घरों में समृद्धि लेकर के आ रहा है। चंदौली के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 2 साल पहले काले चावल की एक वैरायटी का प्रयोग यहां किया गया था। पिछले साल खरीफ के सीजन में करीब 400 किसानों को ये चावल उगाने के लिए दिया गया। इन किसानों की एक समिति बनाई गई, इसके लिए मार्केट तलाश किया गया। सामान्य चावल जहां 35-40 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है, वहीं यहां बेहतरीन काला चावल 300 रुपए तक बिक रहा है। बड़ी बात यह भी है कि ब्लैक राइस को विदेशी बाजार भी मिल गया है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया को यह चावल निर्यात हुआ है, वो भी करीब 850 रुपए किलो के हिसाब से। यानी जहां धान का एमएसपी 1800 रुपए है, वहीं काला चावल 8,500 रुपए प्रति क्विंटल बिका है। मुझे बताया गया है कि इस कामयाबी को देखते हुए इस बार के सीजन में लगभग 1,000 किसान परिवार काले चावल की खेती कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, किसान को आधुनिक सुविधाएं देना, छोटे किसानों को संगठित करके उनको बड़ी ताकत बनाना, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी है। बीते सालों में फसल बीमा हो या सिंचाई, बीज हो या बाजार, हर स्तर पर काम किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से देश के लगभग 4 करोड़ किसान परिवारों की मदद हुई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लगभग 47,87,00,000 हेक्टर जमीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में आ चुकी है। लगभग 77,000 करोड़ रुपए के इरिगेशन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। लेकिन साथियों, सफल प्रकल्प ही काफी नहीं होते, इसके साथ साथ किसानों को उस बड़े और व्यापक मार्केट का लाभ भी मिलना चाहिए जो हमारा देश, दुनिया के बड़े बाजार हमारे किसानों को उपलब्ध कराते हैं। इसलिए विकल्प के माध्यम से किसानों को सशक्त करने का रास्ता अपनाया गया है। किसान हित में किए गए कृषि सुधार ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। अगर किसान को कोई ऐसा खरीदार मिल जाए जो सीधा खेत से उपज उठाए, जो ट्रांसपोर्ट से लेकर लॉजिस्टिक के हर प्रबंध करे और बेहतर कीमत दे, तो क्या किसान को अपनी उपज उसे बेचने की आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?
भारत के कृषि उत्पाद पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या किसान के इस बड़े मार्केट और ज्यादा दाम तक किसान की पहुंच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेन देन को ठीक समझता है तो उस पर भी इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई। साथियों, नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे, ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है, अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यानी किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। किसानों को प्रकल्प के साथ ही नए विकल्प देने से ही हमारे कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। सरकार की तरफ से प्रकल्प, किसान के लिए विकल्प, और दोनों साथ साथ चले तभी देश का कायाकल्प होता है। साथियों, सरकारें नीतियां बनाती हैं, कानून कायदे बनाते हैं, नीतियां और कानूनों को समर्थन भी मिलता है तो कुछ सवाल भी स्वाभाविक ही है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है और भारत में ये जीवंत परंपरा रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक अलग ही ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है। काशी के आप सभी जागरूक साथियों ने भी ये जरूर अनुभव किया होगा। पहले होता ये था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था। लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है, अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा। और फिर कहते हैं ऐसा होगा जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। अब जैसे एमएसपी तो घोषित होता था लेकिन
एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी, घोषणाएं होती थी खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया, किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। यानी कर्ज माफी को लेकर भी छल किया गया, किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती थी, लेकिन वो खुद मानते थे कि एक रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं। यानी योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर खाद पर बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई, लेकिन ये फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा काला बाजारियों के पास पहुंच जाता था। यानी यूरिया खाद के नाम पर भी छल, किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी किसान के बजाय किसी और की सुनिश्चित की गई। पहले वोट के लिए वादा और फिर छल, यही खेल लंबे समय तक देश में चलता रहा है। साथियों, जब इतिहास छल का रहा हो तब दो बातें बड़ी स्वाभाविक है। पहली ये कि किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। और दूसरी ये कि जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। जो पहले होता था वैसा ही अब भी होने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही किया था, इसलिए वही फॉर्मूला लगा करके आज भी देख रहे हैं। लेकिन जब इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो सच आपके सामने खुल करके आ जाएगा। हमने कहा था कि हम यूरिया की कालाबाजारी रोकेंगे और किसानों को पर्याप्त यूरिया देंगे। बीते 6 साल में यूरिया की कमी नहीं होने दी। पहले तो यूरिया ब्लैक में लेना पड़ता है, यूरिया के लिए रात रात लाइन में ला करके रात को बाहर ठंड में सोना पड़ता था और कई बार यूरिया लेने वाले किसानों पर लाठीचार्ज की घटनाएं होती थी। आज ये सब बंद हो गया। यहां तक कि कोरोना लॉकडाउन तक उसमें भी जब लगभग हर गतिविधि बंद थी तब भी हमने यूरिया पहुंचाने में दिक्कत नहीं आने दी गई। हमने वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुकूल लागत का 1.5 गुना एमएसपी देंगे। ये वादा सिर्फ कागज पर ही नहीं, ये वादा हमने पूरा किया। और इतना ही नहीं, किसान के बैंक खाते तक पैसे पहुंचे इसका प्रबंध किया। साथियों, सिर्फ दाल की ही बात करें, पल्सिस की बात करें, 2014 से पहले के 5 सालों में
हमारे जो पहले वाली सरकार थी उसके 5 सालों में लगभग 650 करोड़ रुपए की ही दाल किसान से खरीदी गई थी। कितनी? 650 करोड़। कितना भैया जरा बताइए, पूरे देश में कितना? 650 करोड़। लेकिन हमने 5 साल में क्या किया आकर के? हमारे 5 सालों में हमने लगभग 49,000 करोड़ यानी करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए की दालें एमएसपी पर खरीदी है, यानी लगभग 75 गुना बढ़ोतरी। कहां 650 करोड़ और कहां करीब करीब 50,000 करोड़। 2014 से पहले के 5 सालों में, उनकी आखिरी सरकार की मैं बात कर रहा हूं, 5 सालों में पहले की सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा था पूरे देश में, 2 लाख करोड़ का एमएसपी पर। लेकिन हमने हमारे 5 साल में धान के लिए 5 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में किसानों तक हमने पहुंचा दिए हैं साथी, यानी लगभग 2.5 गुना ज्यादा पैसा किसान के पास पहुंचा है। 2014 से पहले के 5 सालों में गेहूं की खरीद पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही किसानों को मिला, 1.5 लाख करोड़ उनकी सरकार के 5 साल। हमने 5 साल में गेहूं पर 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को एमएसपी का मिल चुका है, यानी लगभग 2 गुना। अब आप ही बताइए कि अगर मंडियां और एमएसपी को ही हटाना था तो इतनी बड़े हम ताकत क्यों देते भाई? हम इन पर इतना निवेश ही क्यों करते? हमारी सरकार तो मंडियों को और आधुनिक बनाने के लिए मजबूत बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। भाइयों और बहनों, आपको याद रखना है, यही लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर, ये लोग हर गली मोहल्ले में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर ट्विटर में सवाल उठाते थे, ये लोग अफवाह फैलाते थे, ये मोदी है, ये चुनाव है ना, इसलिए ये किसान सम्मान निधि लेके आया है, ये 2,000 रुपया एक बार दे देगा, दोबारा कभी नहीं देगा। दूसरा झूठ चलाया कि ये 2,000 अभी दे रहा है, लेकिन चुनाव पूरा हो गया या तब ब्याज समेत वापस ले लेगा। आप हैरान हो जाएंगे, एक राज्य में तो इतना झूठ फैलाया कि किसानों ने कहा भी हमें 2,000 रुपये नहीं चाहिए, यहां तक झूठ फैलाया। कुछ राज्य ऐसे भी हैं, एक राज्य जो किसान के नाम से बातें कर रहे हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अपने राज्य में लागू ही नहीं होने दिया, क्योंकि अगर ये पैसा किसानों के पास पहुंच गया और कहीं मोदी का जय जयकार हो गया तो फिर तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। किसानों के जेब में पैसा नहीं जाने दिया। मैं उन राज्य के किसानों से कहना चाहता हूं, आने वाले समय में जब भी हमारी सरकार बनेगी, ये पैसा भी मैं वहां के किसानों को दे के रहूंगा। साथियों, देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद दी जा रही है, और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा लगातार चल रहा है।
साल में 3 बार देते हैं और अब तक 1,00,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक खाते में पहुंच चुका है। साथियों, हमने वादा किया था कि किसानों के लिए पेंशन योजना बनाएंगे। आज पीएम किसान मानधन योजना लागू है और बहुत कम समय में ही 21,00,000 किसान परिवार इसमें जुड़ भी चुके हैं। भाई और बहनों, वादों को जमीन पर उतारने के इसी ट्रैक रिकॉर्ड के बल पर किसानों के हित में नए कृषि सुधार कानून लाए गए हैं। किसानों को न्याय दिलाने में ये कितने काम आ रहे हैं, ये आए दिन हम जरूर देखेंगे, अनुभव करेंगे और मुझे विश्वास है मीडिया में भी इसकी सकारात्मक चर्चाएं होगी और हमें देखने भी मिलेगा, पढ़ने को भी मिलेगा। मुझे एहसास है कि दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है, किसानों का दोष नहीं है, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। भाई और बहनों, आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। 24/7 उनका यही काम है। देश के किसान इस बात को भली भांति समझते हैं। जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल है, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हमारा अन्नदाता आत्मनिर्भर भारत की अगुवाई करेगा। मुझे विश्वास है आज जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ शंकाएं हैं, वो भी भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। अंत में फिर एक बार आप सभी को इस आधुनिक हाईवे के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। काशी का रूप और स्वरूप यूं ही भव्य बनता रहे, इसके लिए हमारे प्रयास निरंतर चलते रहेंगे। अभी मेरे बनारस में और भी कार्यक्रम है, यहां भी कई विषयों पर विस्तार से बात करूंगा। कोरोना के कारण इस बार मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन आज आपके दर्शन हो गए, मुझे नई ऊर्जा मिल गई, आपके आशीर्वाद मिल गए, काम करने की नई ताकत मिल गई। आप इतनी बड़ी मात्रा में आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं, यही मेरी ऊर्जा है, यही मेरे लिए आशीर्वाद है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे, काशी में पीएम मोदी पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया,
उन्होंने बयान दिया कि सरकार ने किसानों के लिए काम किया है, सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और काला चावल 850 रुपए प्रति किलो बिका है। किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कई अहम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत के कृषि उत्पाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं और इसी के साथ उन्होंने कहा नए कृषि कानूनों से किसानों को नए विकल्प दिए गए हैं। पहले छोटे किसानों के साथ धोखा होता था लेकिन अब किसान मंडी से बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है, मंडी से बाहर किसान अपनी फसल बेचने में स्वतंत्र हैं।